ऐसे सो के बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे। बस कितना खून से सारा स्टाइल में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ फिर से पूछो पहले। नहीं, कैमरा में सच्चाई रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसी खड़ूस जैसा बात करते हैं हमेशा। नहीं पूछेंगे हम, ये डाल देंगे। बोलो ना फिर से। ना हम ये डालेंगे, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हमेशा। बहुत अच्छा। को ये भी सोचना है कि मेरे को कैमरा कहाँ छिपाना है जिससे कि वो ना देखे। ये है ना कि मैंने जो दूसरी चीज मंगाई है वो कैसी मुझे रिसीव हुई है, मुझे वो देखना है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फौजी साहब के साथ। तो अभी आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा कि मैं मतलब इतना ज़्यादा सफाई करना पड़ा, जो कि फौजी साहब ने पहले से ऑलरेडी सफाई कर रखा था, क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा घर बंद रहने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हम जेंट्स लोग जो सफाई करते हैं उसमें और लेडीज़ लोग, और मेरा क्या है ना कि मैं भले ही एक टाइम खाना नहीं खाऊंगी लेकिन भाई मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अभी भी आप लोग देख सकते हैं 12:30 हो रहा है और 12:30 से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में 6 बजे के करीब में उठ जाती हूँ एंड उस समय से लगे लगे मेरे को इतना टाइम हो ही जाता है। बट अभी आप लोग मेरा घर देख सकते हैं, मतलब ऑल इन ऑल हर कुछ मेरा बिल्कुल भी मतलब सब कुछ मैं कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने अभी से ये ब्लॉग स्टार्ट करा है क्योंकि कल साफ़ सफाई करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी। एंड आप लोगों के लिए मैं ये बात बता दूं कि आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग फौजी साहब का रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैंने उनके लिए कुछ मंगाया है एज अ होली पर्पस। तो ये उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है। आप थोड़ी देर में आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि हाँ मैंने आपके लिए ये मंगाया है एंड देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा। उनको 0%, उनको रत्ते भर भी नहीं पता कि मैंने उनके लिए कुछ मंगाया है। वो बोल रहे थे कि अभी चलूँगा एक दो दिन बाद होली के लिए, मतलब अपने लिए कुछ लूँगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है ले लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैंने मंगा लिया। तो अभी मैं आप लोगों के सामने उसको अनबॉक्सिंग करती हूँ, देखती हूँ कि कैसा आया है। एंड बहुत सारे पार्सल्स आ रखे हैं मेरे ऐसे भी। तो ये दो चीज़ है जो कि मैंने फौजी साहब के लिए मंगाया है, और इसको मैं पहले मैं खुद ही देख लेती हूँ कि ये कैसा है, नहीं तो पीला पीला आ रहा है, पता नहीं क्यों साड़ी की वजह से आ रहा होगा। तो मैं पहले इसको खुद देख लेती हूँ कि ये कैसा है एंड अगर अच्छा होगा तो मैं उनके साथ ज़रूर दिखाऊँगी, और फिर मैं ना कैमरे में उनका रिएक्शन भी कैच करूँगी और वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो वीडियो में बने रहिए एंड चलिए सबसे पहले देख लेती हूँ कि ये कैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो बस ये है वो दो पार्सल, और ओपन करती हूँ मैं इसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा भी होता है कि मंगाइए कुछ आ जाता है कुछ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले से खुद में कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ जी जो मैंने मंगाया है ये वही है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस पार्सल को ओपन करते हैं। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारे सोच रहे हैं कि मार्केट चलेंगे, और आज मैं उनको बोलूँगी कि चलिए ठीक है आपके लिए तो कुछ भी नहीं खरीदाया। तो देखते हैं उस पर क्या रिएक्शन होता है उनका। एंड उनके लिए मैंने मंगाया था ये कुर्ता और पजामा, ये मैंने मतलब उनको सरप्राइज़ देने के लिए मैंने अपनी तरफ से मंगाया है कि देखती हूँ। वैसे भी हम लोग के साथ की फर्स्ट होली है, तो कलर तो जो मैंने मंगाया था बिल्कुल वही है, लाइट पिंक कलर में मैंने मंगाया था। मैंने ये सोच के मंगाया कि हाँ चलो ऐसे बाद में भी वो वेयर कर सकते हैं। क्लोथ क्वालिटी भी अच्छी है, फुल ऑन कॉटन में है। तो ये कुर्ता है, मैं अभी पूरा नहीं खोलूँगी, वो आएंगे तो ही मैं खोलूँगी, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा ना कि फिर मेरे को फोल्ड करने में ज़्यादा ये लगेगा। और ये है उसके साथ का पजामा, क्या अगर इतना ज़्यादा मतलब काम पर जाता है ना, उसमें बाबू है कि डेली ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉगिंग करूँ। यस, और ये है उसके साथ का पजामा, इसको मैंने खोला क्योंकि मैं इसको फोल्ड कर सकती हूँ, बट उसमें वो पिन वगैरह वो सब लगा हुआ है। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे है ना कि मैंने जो दूसरी चीज़ मंगाई है वो कैसी मुझे रिसीव हुई है, मुझे वो देखना है। तो चलिए, कुर्ता पजामा तो मैंने जैसा मंगाया था वो सेम मुझे वैसा ही रिसीव हो गया है।
एंड आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने सारा काम वाम करा एंड उसके बाद बाबू को मैंने मतलब काम करने के बीच में बाबू सो गया, फिर मैंने जल्दी जल्दी स्नान वगैरह किया, फिर मैंने पूजा करा एंड मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ। मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी वो आ जाएंगे तो फिर मैं ये सरप्राइज़ नहीं दे पाऊँगी एंड मैं ना कैमरा को कहीं छुपा दूँगी। और नेक्स्ट ये है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा डाउट है कि पता नहीं ये मुझे कैसा रिसीव हुआ होगा, तो चलिए पहले मैं अब इसको भी ओपन करती हूँ। डर भी लग रहा, पता नहीं कैसा। वाह, एग्जैक्टली सेम, मैंने ये जो ब्लेजर मंगाया था सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। एंड आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, ये कलर में है और मैंने ये सोच के मंगाया कि इसके ऊपर ये कलर कैसा जा रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पता है जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना, तो होता है ना कि ऑनलाइन आपको कलर जो दिखाता है वो नहीं, या फिर मतलब बट एग्जैक्टली मुझे जो कलर चाहिए था ये वही कलर है। और अभी तो मुझे वेट है कि वो जल्दी से एंड मैं उनको सरप्राइज़ दूँ और देखती हूँ कि उनका क्या रिएक्शन होता है। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, मैंने इसे वैसे उसी तरह से सेम पैक कर दिया जैसे ये पैक था एंड अब मैं इसे फॉली में डाल दूँगी। एंड अभी चलती हूँ, मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, और इससे पहले कि बाबू जग जाए, क्योंकि बाबू को मैंने नहलाया और फिर वो सो गया है तो फिर वो भी उठेगा तो फिर उसको ऑयलिंग वगैरह भी मेरे को करना है। मेरे को अभी वेट है फौजी साहब का कि वो आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल मैं इस सब को रख देती हूँ एंड मैं मेरे को ये भी सोचना है कि मेरे को कैमरा कहाँ छिपाना है जिससे कि वो ना देखे। तो चलिए फिलहाल चल के डिनर सॉरी फिलहाल चल के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। एंड इसको भी छुपा देती हूँ। आप लोग ब्लॉग में कॉन्टिन्यू बने रहिएगा। सो गाइज, फाइनली आ गए हैं फौजी साहब और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही ताकि उनको किसी तरह का मतलब कोई डाउट ना हो। एंड मैं अभी उनके लिए खाना गर्म कर रही हूँ, बस मैं खाना लेके जाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन होता है। देखूँगी, मैं उसको कोशिश करूँगी कि वो ना देखे कैमरा को कहाँ छुपाऊँ। तो बस अभी जा रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि वो ना देखे और मैं उनका रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। देखती हूँ मैं सक्सेस होती हूँ कि बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा रुको, आप थोड़ा सा देखिए कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा, अच्छा लग रहा है वाकई, आप देखो कितना सुंदर, अब कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। सो गाइस, फाइनली मैंने दे दिया एंड देखते हैं कि वैसे तो अच्छा लगा इनको, लेकिन फिर भी इनसे जान लेते हैं कि इनको कैसा लगा। कैसा लगा? अमेजिंग। ऐसे सो के बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे, काफी अच्छा है। बस कितना खड़ूस सा आया स्टाइल में, फिर से अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ फिर से पूछो पहले। नहीं, कैमरा में सच्चाई रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसी खड़ूस जैसा बात करते हैं हमेशा। नहीं पूछेंगे हम, ये डाल देंगे। बोलो ना फिर से। नहीं, हम ये डालेंगे, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं हमेशा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे पूछो।
पूछेंगे, हम पूछ लिए एक बार। पूछो ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा यार, सो अमेजिंग। ये दिखावा का है बट अच्छा लगा। अच्छा और अभी लाओ, मुझे अच्छा ना लगे ऐसा होने से। हाँ, ये रियलिटी है, मतलब हम जो भी चीज अभी तक लाए हैं अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा। तो अभी इसी खुशी में हम लोग पियेंगे थोड़ा सा चाय। सरप्राइज कर दी लेकिन मुझे, मुझे तो मैं तो सोचा भी नहीं था। हाँ आज ना हम लोग मार्केट जाने वाले थे, तो हम सोचे थे, ये बोल रहे थे कि चलेंगे कल अपने लिए कुछ ले लेंगे। बोले हाँ हाँ ले लेंगे। तब तक हम मन मन सोच रहे थे कि मेरा पार्सल आ जाता, लेकिन आज आ गया। और ये कृषु क्या कर रहे हैं? कृषु सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग पियेंगे अभी चाय। बाय, टेक केयर।